नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन वन। हल्द्वानी में स्थित रोशनी सोसाइटी द्वारा विकलांग बच्चों के लिए मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें इन विकलांग बच्चों को हिम्मत कर अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा दी गई। हल्द्वानी रोशनी सोसाइटी द्वारा पिछले 5 सालों से विकलांग बच्चों की मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी रोशनी सोसाइटी द्वारा विकलांग बच्चों की मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी के अधिकांश विकलांग बच्चों ने भाग लिया। ये मैराथन नगर पालिका से शुरू होकर बुद्ध पार्क में जाकर इसका समापन हुआ। इस मैराथन में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रेणु अधिकारी ने हिस्सा लिया। वहीं संस्था की अध्यक्ष शिवानी ने बताया कि ये पिछले 5 सालों से विकलांग बच्चों की सेवा कर रही है और ये मैराथन बच्चों में साहस और हिम्मत भरने का उद्देश्य है, ताकि वो खुद को असहाय और बेबस ना समझे। इनकी पूरी टीम समाज को जागरूक करने का बहुत ही सुंदर प्रयास कर रही है और देखिए, ये सबसे बड़ा पूजनीय कार्य है जितने भी विकलांग बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, उनका आगे बढ़ाने का और समाज में जागरूकता लाना। और सबसे बड़ी बात है, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने का इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और 5 दिन ही विगत 7 वर्षों से कंटिन्यू ये कार्य कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये लोग स्वयं इनके खर्चे को भी वहन करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, मैं इसके लिए इनको बहुत बधाई देती हूँ। चाहूँगी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो पढ़ा रहे, जो गुरु हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो सिखाते हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा। हल्द्वानी से पंकज सक्सेना की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।